This one feature actually saved me 5 hours in my entire month of doing optimization and adjusting the bids on Amazon ads. And this feature also increased my sales by 10 to 15% all without doing a lot of recurring tasks. Yes, agar aap Amazon pe ads karte ho aur literally aap baar baar cheeze optimize karte ho, bids, budget, all those good stuff, then I have a very, very good news for you. You can now use a new feature that Amazon rolled called filters, जहाँ पे आप आपके filters को save कर सकते हो and literally आप खाली वो filter click करना and everything will be auto-populated, saving you time, money and a lot of systems. और ये same filters अगर आपने save कर लिए, you can also give your employee, उसको सिर्फ वो filter पे click करना and have to do the changes. Now, without further delay, let me show you exactly what is this filter about and कैसे आप इसको use कर सकते हो to get the maximum ACoS reduction and high sales on Amazon. All right, without further delay, let's get into the content. Okay, so what you have to do over here is, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, that will be easy for you, right? So, सबसे पहले आपको समझना है कि every single campaign में जा जाके करना बहुत difficult है. अगर आप कोई भी चीज़ें regular optimizations कर रहे हो या regular bids को change कर रहे हो या तो you know जैसे recurring task होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमको difficult पड़ती है अगर हम एक एक campaign में जाके करें. Because imagine करो 489 campaigns है, तो हर एक में जा जाके अगर आप करोगे तो it will take you so much and so long, right? So, what we need to do is, हमको एक एक campaign का अगर एक ही साथ में अगर मुझे view मिल जाए तो वी कैन एक्चुअली मेक लाइक ऑप्टिमाइजेशन सुपर सिंपल. नाउ ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप की होती है, एक बल्क फाइल से कर सकते हो जो एक्सेल के थ्रू होती है जो जनरली हम लोग करते हैं, और यू कैन गो विद द न्यू टैब विच इज कॉल्ड टारगेटिंग. अब टारगेटिंग के अंदर दिस इज लाइक वेरी वेरी अमेजिंग फीचर, ध्यान रखना, दिस इज गोइंग टू बी लाइक अमेजिंग. अगर आप रिकरिंग टास्क कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू सेव यू लॉट ऑफ टाइम. सो इमेजिन करो, लेट्स से हमने एक महीने का डेटा लिया है और मुझे इसको ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो बहुत सारी चीजें जैसे आप ऑप्टिमाइज करते हो वैसे कर सकते हो. आई जस्ट शो यू वन ऑफ द ट्रिक दैट आई एम डूइंग. तो आप ये जा सकते हो ऑर्डर्स इक्वल्स टू जीरो, जितने भी कैंपेन्स रन है मुझे उसमें सारी चीजें दिखा दो जहां पे अगर ऑर्डर्स जीरो आ रहे हैं मुझे वो सारे कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है, अक्रॉस ऑल द कैंपेन्स. देन सेकंड इज हम ले सकते हैं कि चलो इसमें कम से कम स्पेंड तो हटा दो, लेट्स हम ले लेते हैं क्लिक्स आए हैं मुझे मोर देन 10, राइट? तो ऐसी चीजें दिखाओ जहां पे मुझे 10 क्लिक आ गए, जीरो ऑर्डर्स है एंड यू नो वो कैप यू नो टारगेट जो है वो भी एक्टिव है, राइट? अगर एक्टिव ही नहीं है तो उस चीज का क्या फायदा हमें. तो टारगेट जो मैं देख रहा हूँ, जो भी कीवर्ड देख रहा हूँ, वो ऑलरेडी है, मैंने पॉज नहीं किए हुए, वो ऑलरेडी एक्टिव है. तो ये हमने अब एक बार देख लिया. और अगर आपको स्पेंड डालना है तो आप डाल सकते हो, आई डोंट पुट दैट स्पेंड, तो ठीक है. अगर हम देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 95 ऐसे टारगेट्स है, और अगर हम टोटल स्पेंड देखेंगे उसका तो यहां पर हम डालेंगे, तो लगभग हमने 21,000 खर्चा कर लिए ऐसे टाइप के कीवर्ड्स पे जो बिल्कुल सेल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, 10 क्लिक से ज्यादा हो गए. अब करूंगा क्या मैं, जनरली आई विल क्लिक ओवर हियर, राइट? मैं जाऊंगा नीचे, रिजल्ट्स को 300 कर दूंगा लाइक, ताकि सब कुछ कवर हो जाए मेरा. एंड उसके बाद आई विल जनरली ये मैं करता हूं एवरी मंथ, आई विल क्लिक ओवर हियर एंड आई विल क्लिक ऑन बल्क एक्शन, और मैं इसको पॉज कर दूंगा ताकि मेरे सारे के सारे 21,000 का वेस्ट एड स्पेंड चला जाएगा. और ये एक्टिविटी लेट्स से मैं हर वीक कर सकता हूँ, हर डे कर सकता हूँ, वीक या तो मंथली, डेली नहीं करना है, डेली नहीं करना है, मैं वापस बता देता हूँ, डेली नहीं करना है, मंथली करो, वीकली करो, दैट्स ओके. तो आप हम इसको करेंगे क्या, हम इसको क्लिक करके यहाँ पे पॉज कर देंगे. अब इस एक्शन को मुझे रिपीट बार, मुझे ये फिल्टर सेम चाहिए बार बार, मुझे रोज जाके ये नहीं करना है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा सेव फिल्टर और इसको नाम दे दूंगा मैं वेस्टेड एड spend. This is a game changer, right? That spend. Boom. Save हो गया. अब समझो मैं वापस 2 दिन के बाद आता हूं या 4 दिन के बाद आता हूं, मुझे वापस ये चीज करनी है. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिल्टर पे जाऊंगा, ये क्लिक करूंगा वेस्ट एड स्पेंड, बूम, मेरे सारे फिल्टर्स के फिल्टर्स रेडी हो गए. ऑसम, राइट? अब अगर मुझे ऐसा चेक करना है, एक और फिल्टर मुझे क्रिएट करना है जहां पे लेट्स सपोज कि मुझे ऑर्डर्स आए हुए, ठीक है, लेट्स से मुझे ऑर्डर्स आए ग्रेटर देन 0, ठीक है, अनेबल्ड कैंपेन है, और लेट्स से ACoS जो है मेरा वो है ग्रेटर देन लेट्स से मेरा टारगेट ACoS 10% है या 15% है और मेरा ACoS आ रहा है 50% के अबाव, राइट? अब यहां पर देख सकते हो ये एक सेकंड फिल्टर है जहां पे मुझे करनी है अपनी बिड कम. तो इन सबको मैं एग्जांपल कल बल्क दबा के यहां पर कर दूंगा एडजस्ट बिड्स, और मैं इनकी बिड्स कम कर सकता हूँ जितने भी परसेंटेज से मुझे इनकी बिड कम करनी है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ. तो यहां पर मैं ये बार बार करने वाला हूं, हर वीक करूंगा एग्जाम्पल. तो इसको मैं सेव करके इसको एक नया ध्यान दे सकता हूं, हाई ACoS फिल्टर, और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा. अब मैं जैसे लेट्स से वापस मुझे निकालना है, वीक में आ गया, ऐसे ऑप्टिमाइजेशन करूंगा मैं 2 मिनट में, फिल्टर हाई ACoS, बूम,
दबाया, बिट्स एडजस्ट कर ली, फिर से जाऊंगा मैं फिल्टर्स, वेस्ट अटैचमेंट, बूम, मैंने चेंजेस कर ली बिट्स के अंदर एंड पूरा का पूरा फिल्टर रेडी हो गया. दिस इज हाउ यू कैन डू अ सुपर सुपर ऑप्टिमाइजेशन विद सेव फिल्टर्स. नेक्स्ट लेवल स्टफ, छोटी चीज बड़ा धमाका. इफ यू आर डूइंग ऑप्टिमाइजेशन ऑन योर ओन, यूर एजेंसी, यूर फ्रीलांसर, डू दिस फीचर, यूज दिस फीचर एंड मेक योर वर्क super super simple. All right guys, that's it about this video and this filter. If you want to work with me and help you grow your business to the next level using the power of Amazon advertising, and you want to take my service, click the link below, watch my 20 minute video and book a call with my team, apply to see if you qualify. All right, that's it from this video, and I'll see you in the next video. Bye bye.